कंटेंट क्रिएटर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ऑडियो क्वालिटी और उसके बाद वीडियो क्वालिटी। ऑडियो क्वालिटी तो हमने इंप्रूव कर ली, अब चलते हैं वीडियो क्वालिटी इंप्रूव करने। सो मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं दी टेक व्लॉग। इस वीडियो में मैं बनाने जा रहा हूँ एक ऐसा सॉफ्ट बॉक्स जो कि आपने अभी तक किसी भी वीडियो में नहीं देखा होगा, तो चलो थोड़ा डीआईवाई करते हैं। बट आगे बढ़ने के पहले वो सारी चीजें जान लेते हैं जो चीजें मैंने यहाँ पे यूज करी है। आपको अगर इसको बनाना है तो मैं इसका टेम्पलेट अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और इसको खुद से बना सकते हैं। आपको कुछ खास नहीं करना है, टेम्पलेट को डाउनलोड करना और प्रिंट आउट निकालना है। मैंने एक बड़े टेम्पलेट को छोटे छोटे A4 साइज के शीट में कन्वर्ट कर दिया है, जिसके बाद आपको केवल इसमें प्रिंट आउट निकालना है, सारी शीट्स को एक साथ जोड़ना है और किसी भी कार्डबोर्ड के ऊपर लगा के आप निशान लगा के कार्डबोर्ड को आराम से उसी साइज में कट कर लोगे, जिससे आपको ज्यादा हैसल नहीं होगी और मुझको थैंक यू बोलोगे। और फिर सारी चीजें कट करने के बाद बारी आती है इसे जोड़ने की, और मैंने इसको जोड़ने के लिए कागज और फेविकोल का यूज किया। और कैसा कागज है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे हम लोग स्कूल टाइम में कॉपी पे कवर चढ़ाते थे, उस टाइप के मटेरियल का ये कुछ कागज़ है जो मेरे घर में पड़ा हुआ था और मैंने इसको यूज़ कर लिया। और ये लिटरली काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल है। और इसको लगाने के लिए मैंने सबसे पहले इसको स्ट्रिप में कट कर लिया और उसके बाद फेविकोल लगा करके सारे जॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। और सूखने के लिए इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि फेविकोल का मजबूत जोड़ आसानी से नहीं जाता। तो अब लगभग हम लोग का आधा काम कंप्लीट हो चुका है एंड हमारा सॉफ्ट बॉक्स जो है अब थोड़ा शेप ले रहा है। अब इसके अंदर के साइड पे हम लोगों को एल्युमिनियम फॉइल यूज करके लगाना है, अंदर की साइड फेविकोल लगा के एल्युमिनियम फॉइल चिपका देनी है। अब बात करते हैं इसके पीछे की लाइट के लिए। तो लाइट लगाने के लिए मैंने इस टाइप का एक लकड़ी का टुकड़ा लिया था जिसमें चार होल करके चार LED लाइट जिसमें से मैं लगा सकता था, बट मेरे घर में काम लगा हुआ था एंड सीलिंग लाइट लग रही थी और एक सीलिंग लाइट एक्स्ट्रा आ गई थी जिसको मैंने इसमें फिट किया तो वो एग्जैक्ट सेम उसी साइज की आई। लाइट का मैं डिस्क्रिप्शन में नाम लिख दूंगा जिससे आपको अगर यही लाइट लेनी होगी तो आप इसको बाय कर लीजिएगा, चाहे तो अमेजोन से लीजिए चाहे अपने लोकल मार्केट से ले सकते हैं। बट जो प्रोजेक्ट मैं बना रहा हूँ उसी साइज की ये लाइट भी थी तो ये आसानी से इसमें फिट हो गए और बहुत ही ज्यादा अच्छे से काम भी कर रही है। तो मैंने ये लकड़ी वाला प्लान कैंसिल कर दिया। अगर आपको इस पे ही बनाना है तो आप इसमें चार होल करना, चार होल्डर लगाना, उसके बाद आपको इस चीज का यूज करना है जो कि आपको किसी भी इलेक्ट्रिशियन की दुकान से मिल जाएगा और उसको आपको यहाँ पे लगा देना है जिससे कि आप जब इसमें रॉड कनेक्ट करोगे तो वो इसको स्टर्डी रखेगी, कभी भी हिलने डुलने नहीं देगी, आराम से उसको होल्ड करके रखेगी। ट्रस्ट मी, मेरे काम तो यही करने वाला था बट मैंने दूसरा आइडिया निकाला। तो ये देखिए, तो इसमें मैंने जैसे ही आपको ये दिख रहा है कि मैंने इसके पीछे यहाँ पे एक क्या कहते हैं स्मार्टफोन होल्डर लगा दिया है और साथ में आपको नीचे यहाँ पे ये जो घूमने वाला एल्बो मिलता है जो आजकल स्मार्टफोन ट्राईपॉड्स वगैरह के साथ मिलता है, उस मैंने वो लगा दिया और इसके नीचे एक ट्राईपॉड कनेक्ट कर दिया। तो मेरा ये काम बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन हो गया। तो मैं सजेस्ट करूँगा आपको इस लकड़ी वाले प्रोजेक्ट को ना करके अगर आप 200 रुपए की ये लाइट लेकर के 50-60 रुपए का एक ये होल्डर लेकर के और 50-60 रुपए का ये थोड़ा खर्चा करोगे तो काम बहुत अच्छा होगा और लंबा चलेगा, ठीक है। अब सॉफ्ट बॉक्स के सामने के हिस्से पे बटर पेपर लगाना है आपको। आपको ध्यान रखना है कि एक नहीं दो बटर पेपर यूज करना है जिससे कि लाइट का रिफ्लेक्शन ज्यादा अच्छा रहे और ज्यादा स्मूथ रहे। तो तैयार है हमारा सॉफ्ट बॉक्स। मेरा सॉफ्ट बॉक्स तो बन गया बट अभी भी मैं अपने सॉफ्ट बॉक्स बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, क्योंकि देखो इस सॉफ्ट बॉक्स को बनाने के बाद मैंने ये नोटिस किया कि बैकग्राउंड लाइट सारी की सारी निकालने के बाद भी मेरे पूरे के पूरे वॉल पे लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है, मतलब कि अभी भी सॉफ्ट बॉक्स पूरी तरह से सॉफ्ट बॉक्स नहीं बना है। इसलिए सॉफ्ट बॉक्स में थोड़े बहुत काम अभी भी बचे हुए हैं, तो चलिए जानते हैं वो काम क्या है। सॉफ्ट बॉक्स में एक सेल ग्रिड करके एक आगे का एक्सटेंशन होता है जो कि आपके सॉफ्ट बॉक्स की लाइट को चारों तरफ फैलने से रोकता है। इसलिए मैंने सोचा अगर ये मैं बना लूं तो मेरा सॉफ्ट बॉक्स तो मस्त हो जाएगा, इसलिए मैंने इसे बना लिया। और चाहिए अंत में मैंने वो कैसे बनाया। सबसे पहले आपको एक ब्लैक चार्ट पेपर के ऊपर 2 इंचेस के गैप पे लाइनें खींच देनी है और उसके बाद उसकी स्ट्रिप्स काट लेनी है एंड देन आपको हर एक स्ट्रिप पर परपेंडिकुलर 1 इंच की लेंथ की लंबाई और 1 इंच के डिस्टेंस पे कट लगाने हैं जैसा मैं वीडियो पे शो कर रहा हूँ। एंड आफ्टर दैट आपको सारी चीज़ों को आपस में कनेक्ट करना है और उसका गाइडेंस मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। तो मेरा सॉफ्ट बॉक्स पूरी तरह से बन करके रेडी हो चुका है और ये मेरे पीछे रखा हुआ है। अब इसको मैं पहली बार ऑन करने जा रहा हूँ तो मैं आपको उसको ऑन करके दिखाता हूँ कि कैसे मैं इसको ऑन करने वाला हूँ। बट हाँ, मैंने बनाते समय आपको एक चीज़ नहीं बताई थी कि इसके पीछे जो मैंने स्मार्टफोन का होल्डर लगाया था जिसकी वजह से मुझको एक फ़ायदा ये भी हुआ कि मैं इसका जो बिजली वाला ये जो क्या कहते हैं लाइट है इसको मैं डिटैच कर सकता हूँ और अटैच कर सकता हूँ। अब चलिए मोमेंट ऑफ ट्रूथ।
तो हमारा सॉफ्ट बॉक्स पूरी तरह से रेडी हो चुका है एंड इसका आउटपुट देख करके मुझको लग रहा है पूरी मेहनत मेरी वसूल हो चुकी है। और इसको बनाने में जितना मेरा खर्चा हुआ वो मैं आपको स्क्रीन पर शो कर दूंगा, तो आपको एक अंदाजा मिल जाएगा कि इसको बनाने में कितना खर्चा होगा। तो चलिए अब एक सैंपल वीडियो बनाते हैं और देखते हैं इसका आउटपुट कितना अच्छा रहेगा। तो सॉफ्ट बॉक्स पूरी तरह से बन चुका है एंड साथ में ग्रिड लाइट भी। एंड इस वीडियो में मैंने इन दोनों ही चीजों को बनाने का पूरा डिटेल्ड तरीका बता दिया है। एंड अगर आपको इसी टाइप का वीडियो आउटपुट चाहिए जिसमें आपका बैकग्राउंड पे लाइट ज्यादा रिफ्लेक्ट ना करे एंड आपको ज्यादा फोकस रखे, सो इस वीडियो में आप पूरी तरह से इसको बनाना सीख सकते हैं कि कैसे मैंने इसको बनाया है विथ ऑल दी डिटेल्स एंड टेम्पलेट्स जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि ऐसे ही वीडियोज मैं और भी बनाने वाला हूँ।